हाँ जी दोस्तों, 5 मिनट की देरी के बाद सदर्द एक्सप्रेस पहुंच चुकी है अपने सेकंड स्टॉप बोरीवली में। तो चलिए इसका मैं आपको सबसे पहले इसका इंटीरियर दिखाता हूँ कैसा है, इसकी वाइब्स कैसी है, बाकी सारी चीजें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट ट्रेन ब्लॉक को। तो इस प्रकार से कुछ इसका गेट ओपन होगा दोस्तों, और ये देख सकते हैं आप 2x3 का इसका प्रॉपर सीट्स मिलेंगे आपको, कंफर्टेबल है, काफ़ी कंफर्टेबल है। और आपके घर में कोई सीनियर सिटीजन है तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छी रहेगी। और ये देख सकते हैं आपको, मैं चलिए दिखा देता हूँ पहले इसके लाइट्स। ये आपको चार्जर पॉइंट मिल जाएगा, फिर इसके ऊपर आपको रीडिंग लाइट्स मिल जाएगी। प्रॉपर एकदम तरीके से जो भी एक लग्जरी ट्रेन में होना चाहिए वो प्रॉपर यहाँ पे आपको सब कुछ बकायदा मिल जाएगा। और यहाँ की अगर फेयर की बात करूँ तो हमने जो पे किया है वो है 750 के अराउंड। और इसका जो चार्जेस है वो डायनामिक फेयर है, दैट इज वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। ये देख सकते हैं आपको एकदम बकायदा पेंटिंग के सामने आप देख सकते हैं, एकदम प्रॉपर रहेगा। बाकी सब चीज़ें आप देख सकते हैं। और ब्लॉक में चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी महाराष्ट्र में, और बाकी के जो 6 स्टॉप है वो पड़ते हैं गुजरात के दरमियान। सदाप्ती एक्सप्रेस की हिस्ट्री के बारे में बात करूँ तो ये ट्रेन शुरू की गई थी जवाहरलाल नेहरू जी की याद में, 100वीं जन्म जयंती की याद में इस ट्रेन को शुरू किया गया था और इन द ईयर 1988 में। और उसके ठीक 6 साल बाद हमारी ये सुपरफास्ट ट्रेन मुंबई सेंट्रल टू अहमदाबाद जंक्शन के बीच में इस सदाप्ती एक्सप्रेस को भी रूट दिया गया और चलाया गया। बाकी की जर्नी, बाकी की जानकारी मैं आगे के वीडियो में देता रहूँगा। आप देखते रहें इस ब्लॉग को, अगर अच्छा लगे लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ आपको आगे। सो राइट नाउ वी आर रनिंग एट 125 प्लस, सो दैट इज स्पीड जिसके लिए शताब्दी को जाना जाता है। सो गाइस, अभी आ चुका है शताब्दी एक्सप्रेस 02009 का सेकंड स्टॉप, दैट इज वापी। और वापी जाना जाता है उसकी मशीनरी एंड केमिकल इंडस्ट्रीज के लिए। सो वापी पर खास वैसे आपको वड़ा पाव वगैरह और बेसिक चीज़ें यहाँ पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर ये हमारा सेकंड स्टॉप था। अब मैं आपको डायरेक्ट मिलूँगा सूरत पर, यहाँ से मैं आपको दिखाऊँगा इस ट्रेन का डिपार्चर। ठीक है, मिलता हूँ डिपार्चर के टाइम। स्पेशल चाय दैट इज़ इलायची फ्लेवर, क्योंकि इसमें उन्हें एक पैकेट देते हैं आपको, उसको हॉट वाटर के साथ गर्म पानी के साथ मिक्स करके एक चाय आपको बनानी पड़ती है। मतलब वो लोग तैयार करके देंगे और आपको उसका मज़ा लेना है खाली। पर कप इट्स 15 रुपीज़। सो अभी टेस्ट करते और देखते कैसी है। हमारे सामने अंकल भी बैठे हुए मज़ा ले रहे ब्लॉक का। चाय तो अच्छी है भाई, इतना चीयर्स। मिलता हूँ सूरत पर आपसे। आप देख सकते हो कि शताब्दी का कंफर्ट लेवल, पानी इतना कम फील डूल रहा है, दैट इज व्हाट शताब्दी प्रोवाइड यू। तो गाइज हम पहुंच चुके हैं अपने थर्ड स्टॉप दैट इज सूरत, जिसका स्टेशन कोड है ST। और सूरत जाना जाता है अपने हीरे और साड़ी के व्यापार के लिए। और हमारी ट्रेन का डिपार्चर का समय हो चुका है, मैं भी आपको ट्रेन में मिलता हूँ।
और सूरत के ऊपर टोटल 4 प्लेटफॉर्म है 6 ट्रैक के साथ, ठीक है। और सूरत जाना जाता है अपने हीरे और साड़ी के व्यापार के लिए, और यहाँ पर खाने के लिए आपको फरसान, तो भाई गुजरात फेमस ही है तो खाने के लिए यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सूरत बड़ा जंक्शन है, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा यहाँ पर। तो आगे की जर्नी शुरू करते हैं। तो अंकलेश्वर और भरूच को जोड़ने वाले नर्मदा ब्रिज के बारे में अगर मैं बात करूं, तो गाइस इस ब्रिज को 1935 में बनाया गया था, दैट इज़ 1935 में। और इस ब्रिज का जो है पूरा मेटल से बनाया हुआ है ये, और काफ़ी बड़ा ब्रिज है, दैट इज़ अप्रॉक्स 1.4 किलोमीटर्स के अराउंड है ये, और बहुत ही बड़ा ब्रिज है ये, देख सकते आप। तो चलिए आगे मैं आपको मिलता हूँ भरूच स्टेशन पर। नमस्कार दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं अभी अपने चौथे स्टॉप पर, दैट इज़ भरूच, और इसके ऊपर टोटल 4 प्लेटफॉर्म है। और भरूच जाना जाता है अपनी नर्मदा नदी के लिए, जो कि आपने ये पीछे वीडियो में देखा होगा। तो नर्मदा नदी का व्यू आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताओ। तो ब्लॉग देखते रहिए, क्योंकि आपको ब्लॉग में आना चाहिए मज़ा, वो मज़ा आप देते रहेंगे ना भाई। गाइज अभी हम आ चुके हैं अपने 5वें स्टॉप पर, दैट इज़ बड़ोदरा जंक्शन। यहाँ पर टोटल 9 ट्रैक्स है और 7 प्लेटफॉर्म्स। ये जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से रतलाम के लिए, दिल्ली के लिए और मुंबई, और जहाँ हम आगे जा रहे हैं टोटल 3 रूट्स, इंपॉर्टेंट रूट्स यहाँ से निकलते हैं, इसके लिए इसे जंक्शन कहा जाता है। और खाने के लिए अगर बात करूँ तो यहाँ पर फेमस है सेव उसल, ठीक है। जैसे महाराष्ट्र में अपने मिसल पाव, उसल पाव फेमस है, यहाँ पर सेव उसल फेमस है। और अगर मीठे में बात करूँ तो यहाँ पर लड्डू ज़्यादा चलता है, और अगर गुजरात आए हो और जलेबीली फाफड़ा खा के नहीं जाओगे तो मज़ा नहीं आएगा। तो जलेबी फाफड़ा ऑल टाइम फेवरेट, बाकी दोनों डिश बता दी यहाँ पर क्या है, ट्राई करें, अच्छा लगे तो देखें कैसा है क्या है। तो मैं अभी दिखाता हूँ बड़ोदरा से डिपार्चर, मिलता हूँ अभी सीधा अगले स्टॉप पर। सफर अच्छा जाता है ना, तेरी शादी में ले आना। अरे पक्का पक्का है। हाँ पक्का, अरे दोस्तों टेक्निकल रिस्क के कारण हमें इस पार्ट को वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। सो गाइस 500 किलोमीटर की जर्नी तय करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं अहमदाबाद, और हमने बोरीवली से अहमदाबाद के बीच लगभग 7 स्टॉप कवर किए, जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा। और अगर अहमदाबाद स्टेशन की अगर मैं बात करूँ तो ये स्टेशन वेस्टर्न रेलवे का
वन ऑफ द बिजी स्टेशन है और सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला स्टेशन है। और आपको अहमदाबाद स्टेशन पर सारी बेसिक सुविधाएं मिल जाएंगी, आपको एक्सीलेटर मिल जाएगा और यहाँ पे आपको खाने पीने के भी काफ़ी सारे स्टॉल्स मिल जाएंगे, तो आपको उस चीज़ को तो लेकर कोई आपको टेंशन लेने की बात ही नहीं है। तो अगर और इसके बारे में अगर आपको जानकारी तो अहमदाबाद स्टेशन के बारे में, यहाँ से आपको अहमदाबाद स्टेशन से आप जैसे बाहर आएंगे आपको ऑटो रिक्शा सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, और ऑटो वाले से जब आप फेयर डिसाइड करेंगे तो आप अपना ध्यान रखें उस बात का, बिकॉज यहाँ पर कुछ बार ऐसा हो जाता है कि वो शायद ज़्यादा पैसा ले लेते हैं, इस बात का ध्यान रखें। और ऐसी ही कुछ जानकारी के लिए हमारे ब्लॉग्स को देखते रहें, आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन और साथ साथ एंटरटेनमेंट भी मिलता रहेगा। तो ऐसे ही वीडियो देखते रहें और मिलता हूँ आपको अगले ब्लॉग में, तब तक आप अपना ध्यान रखें और ख्याल रखें।